नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक का अंतिम पाठ मैं और मैं। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। तो आइए, पाठ शुरू करने से पूर्व हम लेखक का जीवन परिचय पढ़ लें। श्री मिश्र जी का जन्म सन 1906 में सहारनपुर जिले के देवबंद ग्राम में हुआ था। राजनीतिक और सामाजिक कार्यों में इनकी गहरी रुचि रही है। स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में इन्होंने कई बार जेल की यात्रा भी की। इनका मुख्य कार्य क्षेत्र पत्रकारिता है। यों तो ये ज्ञानोदय के संपादक भी रहे, किंतु इनकी साहित्य साधना विशेषतः नया जीवन मासिक के संपादन और प्रकाशन के रूप में व्यक्त हुई है। ललित निबंधों के क्षेत्र में भी इन्होंने लगातार योगदान दिया है, अनवरत योग दिया है। इनके प्रमुख निबंध संग्रह हैं जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू और दीप जले शंख बजे, आकाश के तारे धरती के फूल इनका लघु कथा संग्रह है। पत्रकार होने के नाते इन्होंने कई रिपोर्टाज भी लिखे। इनके रिपोर्टाज क्षण बोले कण मुस्काए शीर्षक कृति में संकलित है। आइए बात करते हैं हम पाठ परिचय की। तो प्रस्तुत निबंध प्रभाकर जी की जिए तो ऐसे जिए शीर्षक कृति से लिया गया है। इसमें लेखक ने यह प्रतिपादित किया है कि प्रायः मनुष्य दूसरों के विषय में सोच समझकर दुखी सुखी होता रहता है, तो ये मनुष्य का स्वभाव है, सामान्य स्वभाव है, मानवीय स्वभाव है कि वो दूसरों के विषय में सोच समझकर दुखी और सुखी होता रहता है। तो उसका प्राथमिक कर्तव्य क्या है मनुष्य का? तो उसका प्राथमिक कर्तव्य यह है कि वह अपने विषय में सोचे, अपने कर्तव्य का पालन करे और निरंतर कर्मरत बना रहे। कर्तव्य करने के साथ साथ उसे अहंकार का बोझ नहीं लादना चाहिए। अहंकार घृणा का पिता है और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की क्या है, दुश्मन है। इसीलिए घृणा से बचना चाहिए। बहुत सुंदर निबंध है ये लेखक का। लेखक ने जो दूसरा संदेश दिया है वह यह है कि मनुष्य को जीवन के प्रति निष्ठा रखते हुए संघर्षों से घबराना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि निराशा कर्म की गति को रोक देती है और नया और ताज़ा अनुभव नहीं करने देती है। तो आइए शुरू करते हैं अब हम मूल पाठ। बड़ा आनंद आएगा आपको पढ़ करके। जब देखो गुमसुम, जब देखा गुमसुम, अरे भाई तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है कि सुबह के सुहावने समय में यूँ चुपचाप बैठी हूँ। तुमसे अच्छे तो देवी कुंड के कछुए ही है कि तैरते नज़र तो आ रहे हैं, यानी कुछ सुबह गतिविधि कर रहे हैं। उठो, दो चार किलकारियाँ भरो और अंगीठी के पेट में गोला डालो जिससे अपना भी पेट गरमाए। ओहो, देखो क्या कहते हैं लेखक और उसके बातूनी मित्र के बीच संवाद बताया है लेखक ने। लेखक के मित्र ने आकर उससे कहा कि जब भी वह देखता है, ये कौन बोल रहा है, लेखक का मित्र बोल रहा है, और गुमसुम कौन बैठा है, लेखक बैठा है, इस बात का ध्यान रखें आप। गुमसुम लेखक स्वयं बैठा है और आया है जो ऐसे बोल रहा है वो लेखक का मित्र है। तो लेखक के मित्र ने आकर उसे कहा कि वह जब भी देखता है तो उसको चुपचाप बैठा पाता है। सवेरे के इतने अच्छे आनंददायक समय में भी वह शांत बैठा है। उससे तो अच्छे तो देवी कुंड के कछुए हैं जो क्या करते हैं, कुंड के पानी में तैर रहे हैं। तो उसने लेखक से कहा कि वह भी उठे, कुछ प्रसन्नता के साथ बातें करे और अंगीठी सुलगाए जिससे कुछ खाने पीने को मिल सके। ओहो, तुम कहाँ से आटपके इस समय, कोई कितने ही गंभीर मूड में हो, विचारों की कितनी ही गहराइयों में उतर रहा हो। तुम्हारी आदत है बीच में आ कूदना और फैलाने लगना लंतरानियों के लच्छे एक के बाद एक। देखो लंतरानियों का आशय क्या है, मनगढ़ंत बातें करना। तो लेखक मूड, यानी मूड का मतलब होता है मूड, मनस्थिति,
मन के भाव, मन के विचार। तो अभी लेखक अपने मित्र से कहते हैं कि मतलब उसे झिड़कते हुए कहते हैं कि कोई मनुष्य कितनी ही गंभीर मनस्थिति में हो या कितने ही गहन विषय पर विचार कर रहा हो, परंतु वह अपने स्वभाव के अनुसार बीच में अवश्य टोकता है, ये उसकी अच्छी आदत नहीं। यानी कि कोई कितनी भी गहराई से सोचने में लगा हुआ हो, लेकिन तुम जो हो बीच में आकर के और कुछ ना कुछ मनगढ़ंत बातें करने लग जाते हो, ये अच्छा नहीं है। और ये एक बहुत बड़ी सच्चाई भी है, ऐसा भी कहते हैं लेखक। तो देखो, हर समय अगंभीर बने रहना ठीक नहीं, लापरवाह बने रहना ठीक नहीं, ये संदेश दिया है लेखक ने। यहाँ पे क्या संदेश दिया है कि बहुत अधिक बोलना, हर समय बहुत अधिक बोलना भी उचित नहीं है। तो हम लंतरानियों के लच्छे फैलाते हैं और तुम गंभीर मूड में रहते हो। सच्चाई यह है भाई कि भाईजान कि जमाना बहुत खराब है। जिस गधे को नमक दो वही कहता है कि मेरी आँख फोड़ दी। हम जा रहे थे अपने काम, तुम्हें दूर से देखा सुस्त, रास्ता काट कर इधर आए कि देखें तो माजरा क्या है, और मामला कुछ गड़बड़ हो तो कुछ मदद करें। पर तुम्हारे तेवर कुछ ऐसे बदले हुए हैं कि जैसे हम सुबह सुबह 4 रुपये उधार मांगने आ गए हों, और पहले इसी तरह हाथ उधार उठाए रुपये हमने अभी तक वापस ही ना किया हो। बहुत अच्छे रहे भाई। देखो, लेखक के मित्र कहते हैं, उनको भी बुरा लगता है जब लेखक कहते हैं कि भाई तुम लंतरानियों के लच्छे फैलाने लग जाते हो। जब भी कोई गंभीर मूड में होता है तो भी तुम इस प्रकार से मनगढ़ंत बातें करने लग जाते हो, ये एक प्रकार की कड़वी सच्चाई है तुम्हारे जीवन की। तो लेखक के मित्र कहते हैं कि भाई अच्छा, ऐसा है क्या कि हम मनगढ़ंत बातें करते हैं और तुम गंभीर मूड में रहते हो? लेकिन सच्चाई तो ये भी है भाई साहब कि ज़माना बहुत ख़राब है। यानी जिसकी भलाई करने निकलते हैं वही सोचता है कि भाई मेरे साथ बुरा हो रहा है, भाई मैं तो इधर से जा रहा था और तुम सुस्त बैठे थे, तो मैंने सोचा कि भाई क्या माजरा है, क्या स्थिति है, कुछ गड़बड़ अगर है तो मैं मदद कर दूँ। तुम्हें मदद करने के लिए ही तो मैं इधर आया था, और तुम तो ऐसे व्यवहार कर रहे हो जैसे मैं तुमसे उधारी मांगने आ गया हूँ। यानी उधार मांगने आता है कोई तो सामने वाले का चेहरा इसी प्रकार का हो जाता है, वो इसी प्रकार से रुखाई से पेश आता है। तो लेखक के मित्र भी कहते हैं कि भाई तुम तो ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे मैं तुमसे सुबह सुबह उधार मांगने आ गया हूँ, और पहले भी उधार लिया है जो अभी तक चुकाया नहीं है। तो देखो लेखक क्या कहते हैं, ना ना ये बात नहीं है, तुम्हारा आना सर आँखों पर, यानी ऐसी कोई बात नहीं, तुम्हारा आना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम भी ये क्या बात कर रहे हो, पर बात यह है कि मैं इस समय बहुत गहरे चिंतन में था। और लो बताऊँ तुम्हें गहरे चिंतन में क्या था। लेखक कहते हैं कि मैं बहुत गहरे चिंतन में था, ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम्हें देख करके मुझे बुरा लगा हो। चलो मैं बता ही देता हूँ तुम्हें कि मैं गहरे चिंतन में क्या था, मैं अपने आप में खोया हुआ हूँ आज। लेखक क्या कहते हैं कि मैं आज अपने आप में खोया हुआ हूँ, अपने विषय में सोच रहा हूँ। तो लेखक के मित्र कहते हैं, वाह भाई वाह, क्या कहने। लो फिर बताऊँ तुम्हें मैं भी एक बात कि आज तुमने ऐसी दूर की हाँकी कि अब तक के सब छोंक मात हो गए। लेखक का मित्र क्या कहता है कि आज तुमने बहुत दूर की फेंकी है, ऐसी फेंकी है कि आज तक जितनी तुमने छोंक लगाए हैं, यानी कि जितनी तुमने फेंकी है वो सब इसके आगे फीकी हो गई। हाँ जी, तो आज तुम अपने में आप में खोए हुए हो। मियाँ खोए हुए हो तो डोंडी पिटवाओ, ढिंडोरा पिटवाओ, पुलिस में रिपोर्ट लिखवाओ कि मैं खो गया। खड़े खड़े क्या देख रहे हो, भेंगे बबूल से बुद्धू की तरह खड़े खड़े क्या देख रहे हो, अपनी रिपोर्ट लिखवाओ, ढिंडोरा पिटवाओ कि भाई मैं खो गया हूँ। तो लेखक कहते हैं, तुम तो अजीब आदमी हो कि मैं कह रहा हूँ संत स्वभाव एक गहरी बात, संत स्वभाव एक श्रेष्ठ बात, एक गहरी बात, और तुम उड़ा रहे हो गुटप्पे, यानी तुम मजाक ले रहे हो उसे। पर बात यह है कि पढ़ाई के लिए एक पैसा कभी किसी मास्टर को तुमने दिया नहीं, अक्ल आए भी तो कहाँ से। यानी कि तुमने शिक्षा के नाम पे एक पैसा भी खर्च नहीं किया है, तो तुम्हें अक्ल भी आएगी तो कहाँ से आएगी, स्कूल तुम गए नहीं। लो फिर मैं आज तुम्हें तुम्हारे ही जैसों की एक कहानी सुनाता हूँ। लेखक अपने मित्र को एक किस्सा सुनाते हैं, उसे सुनकर तुम समझोगे कि कैसे आदमी अपने आप में खोया जाता है। तो देखो कहानी सुनाते हैं लेखक, बहुत ही रोचक किस्सा सुनाते हैं 5 मित्रों का। 5 आदमी आपस में गहरे दोस्त थे, करने धरने को कुछ नहीं, खाने को दोनों समय रोटी और पीने को क्या चाहिए, उन्हें भंग चाहिए, और 5ों पक्के भंगड़ी
भांग भंगबाज यानी भांग पीते हैं, पिए और धुत पड़े रहे, भांग पिए और भांग के नशे में धुत पड़े रहते हैं। एक दिन कहीं मंदिर में बैठे घोट रहे थे क्या भांग कि उन पांचों की स्त्रियां यानी कि उनकी पत्नियां इकट्ठी होकर जा पहुंची, यानी कि भांग पी रहे थे बैठे और उन पांचों की स्त्रियां आ गई और लगी दिल के गुब्बारे निकालने, दिल के गुब्बारे निकालने यानी कि अपनी भड़ास निकालने लगी, सारा गुस्सा निकालने लग गई अपने पतियों पर, क्योंकि निकम में बैठे भांग पीते थे, खाते पीते थे और करते धरते कुछ भी नहीं थे। जो 10-5 आदमी वहाँ और थे उन्होंने भी इन स्त्रियों की बात का समर्थन किया, बेचारों की बड़ी बेइज्जती हुई और पांचों ने कहीं प्रदेश में जाकर रोजगार करने का फैसला लिया। पांचों की जब इतनी बेइज्जती हुई तो उन्होंने सोचा कि भाई अब यहाँ से कहीं दूर जाते हैं जहाँ हमें कोई पहचानता नहीं हो, वहाँ जाकर कुछ काम धाम किया जाए। पांचों चल पड़े, चलते चलते आपस में सलाह की कि भाई होशियारी से चलियो, कहीं रास्ते में ऐसा ना हो कि साँझ हो जाए जरा गहरी और कोई खोया जाए। भाई देखो होशियारी से चलना, सावधानी से चलना, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में रात गहरी हो जाए और कोई खो ना जाए। तो लौट कर उसकी घरवाली को क्या जवाब देंगे, यदि कोई खो गया तो हम लोग वहाँ जाकर वापस जाएंगे, तब उसकी पत्नी को क्या जवाब देंगे कि कहाँ गया उसका आदमी। फिर कुछ दूर गए, रात हुई, एक मंदिर में पढ़कर सो गए, एक मंदिर में गए और वहाँ सो गए। सुबह उठते ही तब पाया कि भाई पहले गिन लो सब चौकस भी है। सुबह उठते ही सबके दिमाग में यही विचार आया कि भाई पहले गिन लेते हैं कि सब सही है कि नहीं, सब चारों के चारों पांचों के पांचों व्यवस्थित है या नहीं। उनमें से एक ने सबको गिना, देखो ये मानव स्वभाव मानव प्रवृत्ति कि लोग दूसरों को खूब गिनते हैं, दूसरों के गुण अवगुण सब देखते हैं किंतु स्वयं के विषय में कोई नहीं सोचता। लोग देश की सोचते हैं, दुनिया की सोचते हैं, अड़ोस की पड़ोस की सबकी सोच लेते हैं किंतु स्वयं के विषय में कभी नहीं सोचते। तो देखें कितना कुछ अनर्थ हो रहा है यहाँ। ये आपको लेखक ने बहुत सुंदर कथा बताई है, जो लोग दूसरों के विषय में सोचते हैं किंतु स्वयं के विषय में कभी भी नहीं सोचते हैं। तो देखो क्या किया है इन्होंने, उनमें से एक ने सबको गिना और गिनाए, देखो 1 2 3 4 फिर गिना 1 2 3 4, जोर से चिल्लाकर कहा अरे हम तो घर से 5 चले थे, ये तो रात भर में ही 4 रह गए। फिर दूसरे ने दोबारा सबको गिना लेकिन वे 4, सबकी बुद्धि एक जैसी थी तभी तो पांचों गहरे मित्र थे। तीसरे ने गिना तब भी 4 ही रहे, मामला संगीन हो गया, गंभीर हो गया और तब पाया कि लौट कर घर चले। पाया यानी मन में इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला, ये सोचा, ये तय किया कि लौट कर घर चलें, शायद 5वां आदमी रात को घर लौट गया हो। रास्ते में सबके सब रोते पिटते चल लौट रहे थे, एक समझदार आदमी मिला, चारों के चारों पांचों के पांचों रोते चिल्लाते जा रहे थे तो उनको रास्ते में एक समझदार आदमी मिला। उसने इन्हें रोक कर पूछा कि वे किस मुसीबत में है, तो उन्होंने बताया कि हम घर से 5 चले थे पर रात भर में ही कितने रह गए हैं, 4 ही रह गए। उस आदमी ने इन्हें गिना तो वे कितने थे, 5 थे। उसने कहा भले आदमियों तुम घर से 5 चले थे और 5 ही अब हो, तो रो क्यों रहे हो। भाई तुम घर से 5 चले थे और अभी भी तुम 5 हो, तो फिर रोने का कारण क्या है तुम्हारा। तब इन भंगड़ियों में से सब एक ने फिर सबको गिना 1 2 3 और 4, 4 पे आके फिर से अटक गया। समझदार ने कहा अरे भौंदू अपने को तो गिन, अरे बुद्धू तू खुद को तो गिन। अब इन लोगों की समझ में आया कि मामला यह है कि जो गिनता है अपने को भूल जाता है और वही हाल मेरा हो रहा है कि मैंने घर की सोची, पड़ोसी की सोची, देश की सोची और यूँ समझो दुनिया भर की बातें सोच मारी पर अपनी बात भूल गया और कभी यह न सोचा कि आखिर मेरे प्रति क्या कर्तव्य है और क्या अधिकार है। आज मैं यही सोच रहा था कि तुम आ गए, कहो फिर मैं गहरे चिंतन में था या नहीं। तो क्या कहते हैं लेखक कि भाई देखो मैंने आज तक सबकी सोची, देश की, दुनिया की, पड़ोसी की, सबकी सोची किंतु स्वयं की प्रति स्वयं का क्या कर्तव्य है कभी नहीं सोचा मैंने, तो कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा, वो अपने को भूल ही गया। तो उसने ये नहीं सोचा कि उसका अपने प्रति क्या कर्तव्य और क्या अधिकार है।
तो लेखक कहने का आशय ये है कि हम सबके संबंध में सोचते हैं, सबके बारे में सोचते हैं, लेकिन स्वयं को ही भूल जाते हैं। तो अपने प्रति कर्तव्य का ध्यान भी हमें रखना चाहिए, यह संदेश लेखक ने यहाँ दिया है। तो मित्र कहता है, भाई बात तो तुम्हारी कुछ पते की सी लगती है कि हम दुनिया की बात सोचते हैं पर अपनी नहीं। और सच बात कहें, सच बात बड़े कह गए हैं कि आप मरे जग पर लो, यानी कि हम मर गए तो दुनिया मर गई, हम नहीं तो जहान नहीं। बात मन को लगती है पर अपने बारे में सोचे ही क्या। तो लेखक के मित्र कहते हैं कि भाई तुम्हारी बात जो है वो मन को लग रही है, ये समझ में आ रही है, लेकिन ये भी तो पता चले कि हम अपने बारे में सोचें भी तो क्या। नहीं सोचते तो लिखाओ पशुओं में नाम, क्या कहते हैं लेखक, यदि नहीं सोचते हो तो अपना नाम किस में लिखाना है, पशुओं में नाम लिखाओ अपना, क्योंकि पशु होते हैं वो नहीं सोचते हैं, पशु होते हैं वो नहीं सोचते। हाँ, नहीं सोचते तो लिखाओ पशुओं में नाम, क्योंकि जो सोचता नहीं वह पशु है, जानवर है। तो हम पशु हैं आपकी राय में, कौन कहता है ऐसा, लेखक का मित्र। तो हम पशु हैं आपकी राय में, वाह साहब आप हमें पशु बता रहे हैं, पर भाई यह तो बताओ कि तुम्हें हमारी पूंछ और सींग किधर दिखाई दिए हैं। तो फिर लेखक कहते हैं, पूंछ और सींग, पशु बनने के लिए पूंछ और सींग की ज़रूरत नहीं पड़ती। बात यह है कि पशुता और मनुष्यता दो भाव है, दो विचार है। जो पहले सोचे और फिर चले वह क्या है, वह मनुष्य है। और सोचे कुछ नहीं, बस जिधर हवा ले जाए चला चले, वह क्या है, वह पशु है। अब आई बात तुम्हारी समझ में, मेरी बात, तो सोचना ज़रूरी है, ऐसा कौन कह रहा है, तो सोचना ज़रूरी है, लेखक का मित्र कहता है। जी हाँ, सोचना ज़रूरी है और अपने बारे में सोचना ज़रूरी है। मैं यही ज़रूरी कार्य कर रहा था जब तुम आए। महाकवि शेख सादी एक दिन अपने बेटे की, अभी दूसरा किस्सा और सुना रहे हैं लेखक महाकवि शेख सादी का, कि क्या किस्सा है। शेख सादी एक दिन अपने बेटे के साथ सुबह की नमाज पढ़कर लौट रहे थे। उनके बेटे ने देखा कि रास्ते के दोनों तरफ वाले घरों में अभी तक बहुत से आदमी सोए पड़े हैं। उसने अपने पिता से कहा, अब्बा ये लोग कितने पापी हैं, अभी तक पड़े सो रहे हैं और नमाज पढ़ने नहीं गए। तो विचारक शेख सादी ने दुख भरे स्वर में कहा, बेटा बहुत अच्छा होता कि तू भी सोता रहता और नमाज पढ़ने ना आता। क्यों कहा ऐसा महाकवि शेख सादी ने, कि वो दूसरों की आलोचना करने से बच जाता। विचारक शेख सादी ने दुख भरे स्वर में कहा, बेटा बहुत अच्छा होता कि तू भी सोता रहता और नमाज पढ़ने न आता। बेटे ने आश्चर्य से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं मेरे अब्बा। शेख सादी ने और भी गहरे में डूबकर कहा, तब तो दूसरों की बुराई को खोजने के इस भयंकर पाप से तो बचा रहता मेरे बेटे। दूसरों की बुराई खोजने की, दूसरों के दुर्गुणों को खोजने का जो भयंकर पाप तूने किया है, इससे बच जाता यदि तू भी सोया रहता। मतलब यह कि अपने बारे में सबसे पहले जो बात सोचने की है वह यह कि मेरा यह अधिकार है कि मैं अच्छे काम करूं, अपने जीवन को ऊंचा उठाऊं, पर मेरा यह कर्तव्य भी है कि जो किसी कारण से अच्छे काम नहीं कर रहे हैं या साफ शब्दों में गिरे हुए हैं, उन्हें अपने कामों से ऊंचे उठने की प्रेरणा देते हुए भी उन पर अपने अहंकार का बोझ न लादूं, क्योंकि अहंकार घृणा का पिता है और घृणा जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों की दुश्मन है। ठीक है, तो खास बात यह है कि घृणा उसका घात करती है जो घृणा करता है, और इस तरह मैं दूसरों से घृणा करके अपना ही घात करता हूँ। तो घृणा को रोकना ज़रूरी है। हाँ जी, घृणा को रोकना, उसे उत्पन्न ही न होने देना बहुत ज़रूरी है। पर रोकने की बात कहकर तुमने मुझे एक पुरानी बात याद दिला दी। अब जो पुरानी बात याद दिलाई है वो पढ़ेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पहले हम बात करते हैं अभी जितना हमने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ प्रश्नों की। तो देखें, पाँचों आदमी क्यों रो रहे थे। तो पाँचों आदमी घर से चले, रास्ते में मंदिर में पढ़कर सो गए, सोने से पहले गिनती की तो पाँच ही थे।
किंतु सवेरे जागने के बाद गिनने पर वे चार ही रह गए, तो प्रत्येक बार गिनने पर उनकी संख्या चार ही थी। अपने एक साथी के खोने के कारण वे रो रहे थे। तो लेखक ने पशु किन लोगों को कहा? लेखक ने उन लोगों को पशु कहा है जो सोचते विचारते नहीं हैं, पहले सोचे फिर कोई काम करे उसको मनुष्य कहते हैं, किंतु बिना सोचे ही किसी भी काम को करने लगे, किसी भी दिशा में चलने लगे, उसे क्या कहते हैं? पशु कहते हैं। और पशु होने के लिए पूंछ और सींगों का होना भी आवश्यक नहीं। फिर देखें, शेख सादी ने अपने बेटे को घर पर सोते रहने के लिए क्यों कहा? शेख सादी के बेटे ने अपने घरों में देर तक सोने वालों द्वारा नमाज न पढ़ने के कारण उनकी निंदा की। तो दूसरों में दोष तलाशने को शेख सादी अच्छी बात नहीं मानते थे। उन्होंने अपने बेटे को घर पर सोते रहने को कहा, क्योंकि यदि वह सोता रहता तो दूसरों की बुराई करने के पाप से बचा रहता। देखो, प्रश्न बिल्कुल ये भी है आपके निबंधात्मक पाठ्यपुस्तक के, जो प्रश्न है उनकी हम बात कर रहे हैं कि पांचों भुनगड़ियों वाली कथा के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहता है। तो इस कथा के माध्यम से लेखक बताना चाहता है कि संसार में लोग ऐसा ही करते हैं, वे अपने दोष और कमियां नहीं देखते, दूसरों की कमियां देखते हैं, उनकी बुराई करते हैं, दूसरों को सुधारना चाहते हैं, अपनी बुराइयों के बारे में नहीं जानते, इसलिए उनमें सुधार के बारे में भी वे नहीं सोचते। तो लेखक संदेश देना चाहता है कि मनुष्य स्वयं को ही बदल सकता है, वह दूसरों को नहीं बदल सकता। अपने अंदर उसे सुधार करना चाहिए, दूसरों के दोष देखने, उनसे घृणा करने, उनसे और अपने को दोष रहित समझने से उनमें अहंकार का भाव उत्पन्न होता है, और मनुष्य को स्वयं को बदलना चाहिए। उसको ऐसे काम करने चाहिए कि दूसरे उससे प्रेरणा ले। उसका अधिकार अपने में परिवर्तन लाने का है, दूसरों को बदलने का हक उसे नहीं है। तो देखो, एक प्रश्न ये देखें, और शेख सादी वाली कथा से लेखक क्या समझाना चाहता है। तो शेख सादी एक महान कवि और विचारक थे। वो सवेरे उठकर नमाज पढ़ने गए, उनका पुत्र भी साथ था। लौटते समय रास्ते के घरों में कुछ लोगों को सोता हुआ देखकर उसने अपने पिता से कहा, अब्बा ये लोग बड़े आलसी हैं, सवेरे नमाज पढ़ने नहीं गए, इनको पाप लगेगा। तो शेख सादी ने कहा, यह अच्छा होता तू भी सोता रहता। कारण पूछने पर उन्होंने क्या कहा, तब तो दूसरों को न देखता और उनकी बुराई करने के पाप से बचा रहता। तो इस कहानी का उल्लेख करके लेखक बताना चाहता है कि मनुष्य को अपनी भूलों की ओर ही देखना चाहिए और उनमें सुधार करना चाहिए। दूसरों के अवगुणों पर ध्यान देने से उनमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह घृणा की भावना से भर उठता है। उसको अच्छे काम करने चाहिए, इस तरीके से दूसरों की निंदा करने से उसे बचना चाहिए। ठीक है, तो इतने प्रश्न आप करें, इससे आगे के प्रश्नों की बात करते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।